अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। आज मेरे साथ दोस्त मेरे जा रहे हैं, ये हैं मतलूब साहब, और ये पीछे जो है सत्यन साहब, और वो जो हैवी बाइक पे आ रहे हैं गुलाम मुर्जा साहब हैं। तो भाई किधर चल रहे हो? ये हम जा रहे हैं अंब लेने के लिए। बाग के चल रहे हो? जा रहे हैं अंब लेने। आप कहेंगे कि बाग में आप अंब लेने आए हो? जी हाँ बिल्कुल, आज हम बाग में आए हैं और वो भी अंब लेने। आपको बताएंगे, लोग ये कहते हैं ना, आप क्या करने गए हो, इधर क्या करने आए हो, आम लेने आए हो। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बाग में आए और वो भी आम लेने। हमारे साथ रहिएगा, दिखाते हैं किस तरह आम दिए जाते हैं और कहाँ से आम मिलते हैं। ठीक है, करीबी आबादी से आए हुए ये बच्चे हैं जो कि ख़राब आम है, जो कि दागी हैं या जिनको पैल नहीं लगाई जाती, वो उन्होंने लहदा फेंक दिए हैं। और बच्चे इनमें से अच्छे अच्छे जो इनमें से कुछ ख़ास हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। ये एक फेरी वाला भाई है, इसने भी आम ले लिए हैं, अल्लाह पाक इनकी बरकत में डाले। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है जब आप बाग में आते हैं तो तरह तरह के आपको मैंगो नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ जो हैं यहाँ पे बन रही हैं। तो ये जो है एक भाई जो है वो यहाँ पे अभी पेटी बना रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, और ये आदमी जो है ये जो बाग से मुख्तलिफ़ दरख्तों से जो है ना आम तोड़ के लेके आए हैं, उनको अलग अलग कर रहा है, जो बड़े आम है जो छोटे हैं, और उनको जो है ना इनकी क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जा रहा है। ये पेटी जो हमारे लिए बन रही है, देखें माशाल्लाह। ठीक है, और ये एक प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएं किस तरह ये पैक की जाती है। ठीक है, ये अभी पैक हो रही है, इस तरह ये पेटी को भरा जाता है कच्चे आमों के साथ। ठीक है, इसमें तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए वक्त दरकार होता है और ये बाद में जो है ना पक जाती है, इसके अंदर दवाई लगाई जाती है और उसके बाद जो है ना इसको पैक करने के बाद इस तरह इसे बंद कर दिया जाता है। ये आम स्पेशली हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अहमद साहब जो कि बहावल नगर से हैं, उनके लिए तैयार करवाई हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट से आम ख़रीदते हैं तो उसमें और इस बाग से जो आमों में बेसिकल फ़र्क ये होता है कि आपको यहाँ पर फ्रेश और अपनी मनपसंद की चीज़ मिल जाती है। ये है जनाब ठेकेदार जिनको हमने पेटियों के पैसे दे दिए हैं क्योंकि हमारा माल तैयार हो गया है। ये जनाब मतलूब साहब हैं जो कि अपनी पेटी उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब आ गए। ठीक है, उन्होंने भी अपनी पेटी उठा ली है। ठीक है, और अब बारी है हमारी, और ये हमने अपना जो है आम की पेटियाँ ले ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं और अपनी मर्ज़ी का हमने पैकिंग करवाई है। कॉपरेटेड अमला है और बहुत ही खूबसूरत आम जो है हमने लिए ख़रीदे हैं, जिनमें सिंधड़ी और इस वक्त लंगड़ा, ये दो वैरायटी हमने ख़रीदी हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हम आम लेकर आ गए हैं अपने घर। तो पता चला कि आम कहाँ से आते हैं और किस तरह लिए जाते हैं। आज आपको ये मुहावरा भी सच हो गया कि आपको कोई कहे कि आप यहाँ पर आम लेने आए हैं तो आप उनको बता देना कि आम कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।